हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल न्यूट गेम्स में दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारी सी गेम लेकर तो चलिए गेम शुरू करते हैं लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं ना तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएंगे तो जैसे ही मैं कोई भी गेम डालूंगी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा तो चलिए इस गेम के लिए आपको क्या करना है आपको चाहिए केवल एक का सिक्का दो का सिक्का और पाँच का सिक्का और बाकी आपको चाहिए हाउजी के नंबर्स केवल इसी से हमारी गेम हो जाएगी आपको किसी भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है अभी करना क्या है हर एक किटी मेंबर को आना है उसको एक दो या पाँच के सिक्के में से एक सिक्का चूज़ करना है वो उसकी मर्जी है वो जो भी सिक्का चूज़ करना चाहे वो चूज़ करेगा सपोज़ किसी ने पहला किटी मेंबर आया और उसने पाँच का सिक्का चूज़ किया अब ये दो तो सिक्के उसके किसी काम के नहीं हैं ठीक है थीके? इस गेम को खेलने के बाद लास्ट में इसका स्कोर पता चलेगा हर किसी को कि उसका क्या हुआ है क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट भी बहुत अच्छा वाला है तो अब आपको हाउजी के नंबर्स जो है ना वो एक ऐसे पाउच में लेने हैं जिसमें से नंबर्स बिल्कुल भी दिखाई ना दें अब जो ये किटी मेंबर खेलने आया है उसको केवल दस सिक्के दस क्वाइंस इसमें से निकालने हैं ठीक है, है? गिन कर हाथ में लेना है अच्छे से फिर एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखो दस ही निकले हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक एक करके उनको निकालने हैं एकदम से सारे नहीं निकालने हैं क्योंकि फिर वापस डालना पड़ेगा तो वो वो वाला ही ना डाल दे जो नहीं चाहिए उसको इसीलिए एक एक करके निकाले तो अच्छा है या फिर दो दो करके निकालें तो भी दस जल्दी से निकल जाएंगे जैसे ये दो निकाले फिर से अंदर से हाथ डाल के फिर दो निकाले तो इस तरीके से दस निकाल लें ठीक है तो जैसे अब ये इसने दस निकाल लिए हैं अब हम देखते हैं कि इसमें से इसके कौन कौन से सिक्के निकले हैं ठीक है ये नंबर्स हाउजी के कौन कौन से निकले हैं देखो इसने सेलेक्ट किया है पाँच का सिक्का यानी पाँच वाला नंबर इसमें जिसमें भी होगा वो वो उसके पॉइंट्स होंगे तो पाँच का तो देखो मुझे किसी और में तो नहीं दिख रहा है केवल ये एक केवल ये एक नंबर उसके काम का आया है लेकिन तब भी उसको करना क्या है ये सारे नंबर्स उसको जैसे ये महक नाम की किटी मेंबर है उसको अपना ये नाम लिखना है यहाँ पर और ये जितने भी क्विंस निकले हैं ना ये यहाँ पर लिखने हैं ठीक है एट्टी फाइव सिक्स टेन एट्टी फोर सिक्सटी सेवन एट्टी एट सिक्सटी फोर्टी सिक्स थर्टी थ्री ट्वेंटी ठीक है इसको यहाँ पर ये यह लिखने भी हैं लिख ये लिख दिए ये इसीलिए है क्योंकि ट्विस्ट बाद में पता चलेगा इसने पाँच का सिक्का चूज़ किया था ये यह यहाँ पर लिखना है और उसका केवल एक ही नंबर आया था उस पर सर्कल कर देना है और ये वाला पेपर दे देना है होस्ट को ठीक है अब ये होस्ट के पास पड़ा रहेगा ठीक है इसी तरीके से दूसरा किटी टीम आएगा ठीक है वो फिर दस आ, कोई एक नंबर चूज़ करेगा अब मैं आपको एक और गेम करके बताती हूँ नहीं तो आपको फिर थोड़ा सा समझ में हो सकता है फिर नहीं आए तो जैसे कोई और किटी मेंबर आया उसने दो दो का नंबर ये चूज किया है ठीक है अब वो दस निकालेगा इसमें में से सिक्के ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है दस हो गए अब हम ये करके देखते हैं कि इसकी कौन कौन से आए हैं नंबर्स तो इनमें से इसने दो का सिक्का चूज़ किया है तो दो नंबर जजिस में भी होगा एक ये एक ये और मेरे ख्याल से दो किसी में भी नहीं है तो इसके ये पॉइंट्स होंगे लेकिन ट्विस्ट के हिसाब से कुछ और होगा जैसे अब ये कितने नंबर है कौन सपोज गीता ठीक है इसने दो नंबर चूज़ किया उसके नंबर कौन कौन से आए हैं बीस बारह सेवेंटी सेवन फाइव सिक्सटीन एटी फोर थर्टीन सेवेंटी एट एट फोर्टी एट ठीक है ये इसके नंबर आए हैं अभी इसके केवल ये दो नंबर आए हैं जिसमें कि दो का सिक्का है अभी ऐसे सब लोग खेल लेंगे अभी लास्ट में क्या होगा लास्ट में होस्ट एक नंबर निकालेगा यही ट्विस्ट है कि लास्ट में अब होस्ट एक नंबर निकालेगा केवल उसको एक नंबर निकालना है ठीक है वन और फोर फोर्टीन एक तो ये फोर्टीन जिसका भी आया हुआ होगा उसके प्लस टेन पॉइंट्स हो जाएंगे सीधा उसके दस ज़्यादा बढ़ जाएंगे या तो बीस ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस पॉइंट को आप कितना देना चाहते हैं ठीक है थीके? एक तो फोर्टीन नंबर जिसके पास भी आया हुआ होगा उसके सीधा प्लस टेन हो जाएंगे जो भी मार्क्स होंगे उसके और वन और फोर अगर नंबर है किसी में भी तो वो भी उसके काउंट होंगे अभी देखो जैसे है ना इसके पहले एक ही नंबर था लेकिन अब वन और फोर जिस जिसमें भी होंगे वो भी उसके मार्क्स बन जाएंगे ये ये भी बन जाएगा फ़ोर इसमें है ये भी बन जाएगा फोर ये भी है ये भी बन जाएगा और वन नहीं है ठीक है यानी इसके कितने पॉइंट्स हो गए एक दो तीन चार ठीक है अब इसका देखते हैं वन और फोर किस किस में था तो वन तो ऑलरेडी इसका था ही तो वो तो काउंट हो ही चुका है अब वन इसमें है इसमें फोर है इसमें वन है इसमें फोर है तो यानी अब इसके कितने प्लस होंगे पॉइंट्स इतने तो अब इसका प्लस करेंगे जो जो भी सर्कल खींचे हुए हैं इसका प्लस करेंगे तो जिसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनेंगे प्लस करने के बाद वो विन करेगा तो देखते हैं इसका कितना बन रहा है एक तो इस सबका टोटल मैं करती हूँ तो देखो प्लस करने के बाद इसका स्कोर बना 225 इसका बना 193 तो ये विनर होगा जिसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनेंगे वो विन करेगा तो यानी आपको इसमें सबसे पहले एक सिक्का चूज़ करना है उस सिक्के से रिलेटेड जो भी नंबर आगे पीछे जितना भी हो ठीक है वही नंबर आपका फ़िलहाल सर्कल खींचा जाएगा ये होस्ट को आप दे देंगे ठीक है उस पर सर्कल करने के बाद अभी सबका ऐसा पेपर जब हो जाएगा उसके बाद लास्ट में होस्ट एक नंबर निकालेगा वो नंबर स्पेशली जिसके पास होगा उसके तो उसको प्लस टेन मिलेंगे ही और वो वाले वन और फोर जैसे निकला था या टू और फोर निकलेगा तो टू जिस जिस में भी होगा फोर जिस जिस में भी होगा वो सारे भी सर्कल करोगे और उन सबका प्लस आपका होगा ठीक है जैसे फोर्टीन निकला था होस्ट का फोर्टीन नंबर निकला था तो सपोज़ अगर इसके पास फोर्टीन होता तो ये तो सर्कल होता ही फ़ोर्टीन और ये टेन भी इसमें प्लस हो जाता है यानी हम फोर्टीन भी काउंट करते हैं और टेन भी काउंट करते हैं ठीक है तो इस तरीके से उसको बेनिफिट होगा आप चाहे तो उस नंबर का सीधा बीस पॉइंट भी दे सकते हैं क्योंकि स्कोर काफ़ी बड़े बड़े हैं तो उसमें आप बीस भी दे, दे देंगे तीस भी दे, दे, दे देंगे तो भी चलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आई होप गेम समझ के होंगे कैसे खेली है बहुत ही बढ़िया सी प्यारी सी गेम है तो चलिए खेलिए आप भी बहुत मज़ा आएगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय